हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आशीष टॉक्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको मल्टीपल जॉब हायरिंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताने वाला हूं। यहां पर आपको एलएनटी, आईबीएम, इंफोसिस एंड केपजेमिनी की तरफ से ही बहुत अच्छी हायरिंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता चल जाने वाला है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपको डिटेल में सभी चीजें पता चल जाए। साथ साथ चैनल पर ऑलरेडी हमने बहुत सारी ऑफ कैंपस ड्राइव की वीडियोस डाल रखी है, तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपको ऑफ कैंपस ड्राइव अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है एसेंचर, एचसीएल, डेलॉइट की तरफ से। उन सभी अपॉर्चुनिटीज में आप सभी अप्लाई कर सकते हो। जहां पर भी एलिजिबल हो डेफिनेटली अप्लाई करो, बिल्कुल भी इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करो। एंड अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। चलिए कि बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली जॉब रोल अपॉर्चुनिटी आपको एलएनटी कंपनी की तरफ से आ जाती है, जिसके आप देख सकते हो एलटीआई माइंडट्री। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो स्पेशलिस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब रोल आपको यहाँ देखने मिल जाती है इस कंपनी में। पुणे लोकेशन यहाँ पे मेंशन की गई है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो जावा, स्प्रिंग कोर, स्प्रिंग बूट। ओके, यहाँ पे कुछ टेक्नोलॉजीज लिखी है, उन टेक्नोलॉजीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, यही बेसिक चीज यहाँ पर मेंशन की गई है। एंड कुछ हाई टेक्नोलॉजीज है जिसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए इस अपॉर्चुनिटी में अप्लाई करने के लिए। अगर आप इस अपॉर्चुनिटी में इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली अप्लाई कीजिए। सेकंड अपॉर्चुनिटी आ जाती है आईबीएम की तरफ से। तो गाइस आईबीएम की तरफ से आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर की जॉब रोल देखने मिल जाती है, जहां पे आपको अहमदाबाद लोकेशन पे आपको जॉब अपॉर्चुनिटी देखने मिल जाती है सॉफ्टवेयर डेवलपर की। ओके, सो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी गाइस, यहां पर भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग की है कंप्यूटर साइंस या आईटी से, आप बीबीटेक कैंडिडेट हो, सीएसआईटी ब्रांच है, तो आप इस अपॉर्चुनिटी में अप्लाई कर सकते हो। टोटली फ्रेशर्स हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। 2022 बैच, 2021 बैच, 2020 बैच यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे अलाउड है। C++ का नॉलेज होना चाहिए, ऑप्स कॉन्सेप्ट का भी नॉलेज होना चाहिए। और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर दी गई है जो कि आप रीड आउट कर सकते हो एंड इस अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर सकते हो। थर्ड अपॉर्चुनिटी आ जाती है इन्फोसिस की तरफ से। इन्फोसिस की तरफ से आपको सिस्टम इंजीनियर की जॉब रोल देखने मिल जाती है, लेकिन ये चीज आप ध्यान में रखिए कि ये जो जॉब रोल है इन्फोसिस बीपीएम लिमिटेड की तरफ से, जो नॉर्मल सिस्टम इंजीनियर की हायरिंग होती है जहां पे 3.6 एलपीए का पैकेज होता है, वहां पे वो इन्फोसिस बीपीएम की तरफ से नहीं होती है, ये चीज ध्यान में रखना। गुड़गांव लोकेशन यहाँ पे मेंशन किया गया है, फ्रेशर्स के लिए अपॉर्चुनिटी होने वाली है, यहाँ पे एनी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं एंड बीपीओ सर्विस लाइन के लिए अपॉर्चुनिटी होने वाली है। तो ये चीज आप ध्यान में रखना कि जो नॉर्मल सिस्टम इंजीनियर की हायरिंग है उससे थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी डिफरेंट होने वाली है। डाटाबेस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में नॉलेज होना चाहिए आप सभी को, एसडीएलसी का नॉलेज होना चाहिए, एनालिटिकल एबिलिटी, लॉजिकल थिंकिंग, ये सभी स्किल्स आनी चाहिए। माइक्रो सर्विस, स्प्रिंग बूट एंड जावा का भी आपके पास अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। आप भी सपोर्ट में अप्लाई कर सकते हो, एनी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं, एज स्पेसिफिक कोई कुछ भी चीज नहीं लिखी है यहाँ पे, तो डेफिनेटली आप इसमें अप्लाई करके देख सकते हो। साथ साथ यहाँ पे एटलीस्ट 1 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज आप सभी के पास होना चाहिए इस अपॉर्चुनिटी में अप्लाई करने के लिए। अगर जावा होता है तो बहुत ही अच्छी बात है। ओके, लास्ट अपॉर्चुनिटी आ जाती है आपको केपजेमिनी की तरफ से। तो क्लाउड डेवऑप इंजीनियर की जॉब रोल आ जाती है केपजेमिनी पुणे लोकेशन के लिए, जहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए क्लाउड के साथ, साथ साथ डेवऑप्स के टूल्स है जैसे कुबरनेट्स, डॉकर, इन सभी का नॉलेज होना चाहिए, टेराफॉर्म का एक्सपर्टीज होनी चाहिए एंड गुड कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो यही बेसिक स्किल्स रिक्वायर्ड है। ओके, अगर आपके पास ये स्किल्स है तो आप इस अपॉर्चुनिटी में डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो। जो भी रिसेंट ग्रेजुएट्स है इसमें अप्लाई कर सकते हैं, एज स्पेसिफिक यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, तो डेफिनेटली इसमें अप्लाई कीजिए। चारों अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी है आप सभी के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। थैंक यू।